मध्य प्रदेश में 17 दिन से जारी सियासी घमासान के बीच में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद खास थी क्योंकि इस बार प्रदेश के मुखिया अपना इस्तीफा पेश करने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा को 15 साल मिले, मुझे 15 महीने मिले। कमलनाथ ने कहा कि 11 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश विधानसभा का परिणाम आया। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास पर विश्वास रखा। भाजपा को 15 साल मिले, मुझे 15 महीने मिले। 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में चले गए। प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में किए गए मेरे काम रास नहीं आए हैं। बौखलाहट में मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी। आप सब जानते हैं, महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी तो हर 15 दिन में भाजपा नेता कहते थे कि ये सरकार 15 दिन 15 महीने वाली सरकार है। और आज हमारे 22 विधायकों को प्रलोभन देकर बंधक बनाने का काम किया गया। करोड़ों रुपए खर्च करके प्रलोभन का खेल खेला जा रहा है और पूरे प्रदेश में इसकी गवाही साफ देखी जा सकती है। एक महाराजा और उसके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोभियों के साथ मिलकर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है।